जितने भी लोग नौकरी करते हैं उनके दिमाग में एक बार बिजनेस करने का ख्याल तो जरूर आता है, लेकिन उस ख्याल के साथ एक डर भी पैदा होता है कि कहीं मेरा बिजनेस डूब ना जाए। और मुझे लगता है ये डर किसी हद तक जायज भी है। 2023 के आंकड़े की बात करूं तो 1.83 लाख स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर हुए, वहीं मार्च 2024 तक 16,600 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। तो आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 4 बिजनेस जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप जॉब करने के भी इच्छुक हैं तो आप इस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप किसी नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके पूछे गए सवालों पर शॉर्ट्स या वीडियो बना पाऊं। मेरे एक यूजर ने मुझसे हाउ यू कैन मेक अ बिजनेस आउट ऑफ फूड वेस्ट बिजनेस के बारे में मुझसे पूछा था, तो मैं उनको बता दूं कि इस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है। और उनसे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है जो वो मेरे पेज पर देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Amazon की। Jeff Bezos has become the first human being on the planet to be worth $200 billion. I was a good student. I always worked really hard. I was nerdy. It doesn't matter to me whether we're a pure internet. What matters to me is to provide the best customer service. इस कंपनी की शुरुआत 2013 में जून में हुई थी और आज की डेट में ये कंपनी हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है। रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Amazon ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,462 करोड़ रुपए का व्यापार किया। वहीं Flipkart इंडिया में अक्टूबर 2007 को बैंगलोर में लॉन्च हुआ था और करंटली 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। इसी तरह स्विगी 2014 में लॉन्च हुई थी और 2022 तक तकरीबन 80,000 करोड़ इस कंपनी ने बना लिए। अगर हम Zepto, Rapido, Denzo, Grofer या फिर डिलीवरी की बात करें तो ये सभी कंपनी कुछ साल पहले ही मार्केट में आई है, लेकिन इनकी ग्रोथ काफी अच्छी है और ये हर साल हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है। मेरी बातों को ध्यान देना। असल में ये कंपनी एक जगह से प्रोडक्ट लेती है और दूसरी जगह पर प्रोडक्ट पहुंचा देती है और बस इसी पर अपना कमीशन चार्ज करती है, और यही वजह है इनके ग्रोथ की। आप खुद सोचिए, जिस प्रोडक्ट पर ये काम कर रही है, क्या वो प्रोडक्ट इनके खुद के हैं? ये प्रोडक्ट पहले भी मार्केट में थे, आज भी मार्केट में है, और हमारे जैसे कस्टमर तब भी थे और आज भी हैं। बस इन सभी कंपनीज ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें सेलर और बायर दोनों की परेशानी थोड़ी कम हो गई। इससे सेलर की मार्केटिंग आसान हो गई और बायर की मेहनत। वैसे देखा जाए तो ऐसे प्लेटफॉर्म के आ जाने से लोग काफी आलसी हो गए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म से एक फायदा तो ये भी हुआ कि अब जब भी आधी रात को हमें भूख लगे या फिर कुछ खाने की क्रेविंग होती है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल स्विगी और जोमेटो का आता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके पसंदीदा खाने को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आएगा। देखा जाए तो ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। ऐसे बहुत से ऐप हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सभी ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। तो आप भी इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था हमारा पहला बिजनेस आइडिया जिसमें आप बिजनेस और जॉब दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की, वो है एडुकेशन। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी एडुकेशन देना चाहता है, उन्हें बस एक सही मेंटोर चाहिए। अगर आपको एडुकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट है और आप सही गाइडेंस दे सकते हैं तो आपको एडुकेशन सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। उडेमी 2010 में लॉन्च हुआ था और आज ये 4 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। वहीं बायजूस 2011 में लॉन्च हुई थी और 2018 तक ये कंपनी 16.5 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। अनअकैडमी 2015 में आई थी और 2022 तक 3.4 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। ऐसे कई एडुकेशन कंपनी है जो पिछले 5-10 सालों में आई है और एक अच्छा मार्केट कवर कर रही है, जैसे स्किल शेयर, कोसेरा, अपग्रेड। ये कंपनीज एडुकेशन सेक्टर की टॉप कंपनीज में से एक हैं। इस सेक्टर में एंट्री करने के कई तरीके हैं, जैसे आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। एडुकेशन सेक्टर लिमिटेड नहीं है। यहाँ मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले सब्जेक्ट की अकेले बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप एक अच्छे स्पीकर और आर्टिस्ट हैं तो आप वीडियो के माध्यम से भी शिक्षा दे सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि एडुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत स्कोप भी है, इसलिए आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। माना कि इसमें 80-90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि लोग बिना किसी स्किल और नॉलेज के मार्केट में कूद पड़ते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस की, जो कि है फूड बिजनेस, जिसके बारे में मुझे लगता नहीं कि मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है।
क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषाएं चेंज हो जाती हैं और उसके साथ साथ फूड भी। अगर स्विगी जोमेटो की बात करें तो दो बूमिंग सेक्टर्स को कंबाइंड करके जबरदस्त बिजनेस डेवलप किया है, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेश मेन्यू, फेसोस, मैजिक पेन और भी कई सारी कंपनी हैं। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने फूड सेक्टर को चुना है और आज इसमें अच्छा खासा धंधा बना रहे हैं। फूड सेक्टर में बिजनेस करने के लिए आइडियाज तो काफी हैं, जैसे कि फूड ब्लॉग, फूड चैनल और यूट्यूब, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशियन, होम टिफिन सर्विस, कैटरिंग, बुकिंग, होम मेड पेट फूड एक्सेट्रा। तो अब आप सोचिए कि आपको किस बिजनेस में जाना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1947 में आजादी के समय भारत की कुल पॉपुलेशन 39 करोड़ थी। आज 76 ईयर बाद भारत की पॉपुलेशन 142 करोड़ हो गई है। अब इस बीच खाने वाले तो बढ़ गए हैं पर जमीन उतनी ही रह गई है। अब उपज को बढ़ाने के लिए 1967 से 1978 के बीच ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसमें भारतीय किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर से भी वाकिफ कराया गया। पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ा और फिर हर घर में आरओ लगने लगे और यही सब कारण बन गया कि देश में हजारों बीमारियां आ गई। तो अब इसी से रिलेटेड है हमारा चौथा बिजनेस आइडिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे नई बीमारियों के बारे में भी सुनने को मिल रहा है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है जो कभी बंद नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोरोना काल ने तो ये बात को बहुत अच्छे से समझा भी दिया कि लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे नेटमेड्स, हेल्दीफाई मी, टाटा हेल्थ, प्रैक्टो, जेनेरिक आधार। ये कुछ हेल्थ सेक्टर हैं जो सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं। आपको मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आप और बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस पर शॉर्ट या वीडियो बना पाऊं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा यूनिक बिजनेस आइडिया, कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।